नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। जेब में जिंदा बम, जी हां, मोबाइल संचार के माध्यम से बढ़कर अब जरूरत बन चुका है, लेकिन बार बार सामने आने वाली खबरें सावधान कर रही हैं कि ये जरूरत अब जानलेवा होती जा रही है। कहने को तो ये असीमित डेटा की दुकान की कुछ किलोबाइट की छोटी सी तस्वीर है, लेकिन इसके पीछे छिपी चेतावनी कई जिंदगियों पर भारी पड़ चुकी है और कईयों पर भारी पड़ने वाली है। सिवनी के कान्हीवाड़ा में हुए एक मोबाइल ब्लास्ट में एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया। अच्छी बात तो ये रही कि उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और फिलहाल उसका उपचार जारी है। ऐसा भी नहीं है कि ये युवक कोई सालों पुराना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि एक हफ्ते पहले ही इसने ये नया मोबाइल खरीदा था जिसमें धमाका हो गया। हैरानी तो तब और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि एक बड़ी कंपनी का करीब 28,000 रुपए वाला ये मॉडल था जिसमें ब्लास्ट हुआ। गोपालगंज के रहने वाले अखिलेश साहू इस ब्लास्ट को लेकर बात तक नहीं कर रहे। किसी काम से भिनोतिया गांव आए थे, अखिलेश की बाइक पर बैठे रहने के दौरान ही ये हादसा हो गया। अखिलेश चाहते हैं कि मुआवजा मिले, लेकिन नियमों के पेंच में ये इतना भी आसान नहीं होगा। आम लोगों की जिंदगी से मोबाइल का जुड़ाव अब सिर्फ बातचीत की सीमा से कहीं आगे जा चुका है। इतना ही नहीं, मेट्रो की हदों से निकलकर खेत की मेड़ तक भी आ पहुंचा है मोबाइल। लेकिन सस्ते की चाहत में घटाई जा रही लागत ने इसे बहुत ही घातक बना दिया है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में इस तरह की घटनाओं पर नजर डालें तो पता चलेगा कि जरूरत का सामान कितना जानलेवा हो चला है। उज्जैन में फरवरी 2023 में मोबाइल में धमाका हो गया जिसमें एक 60 साल के बुजुर्ग की जान ही चली गई। इससे पहले मई 2023 में दमोह में मोबाइल से खेलते वक्त एक मोबाइल की बैटरी फट गई जिसमें एक 11 साल का बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। इधर जबलपुर में मई 2023 में जेब में रखे एक मोबाइल में धमाका हो गया जिसमें शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया। जनवरी 2023 में धार में उपयोग के दौरान एक युवक ने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था जो कि ब्लास्ट हो गया, उसके सिर और पैर में चोट आई। अगस्त 2022 में बालाघाट में मोबाइल की दुकान में बिक्री के लिए रखा हुआ मोबाइल ही फट गया, हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। पन्ना में अप्रैल 2022 में मोबाइल फोन चार्जिंग के दौरान फट गया जिससे 8 साल के मासूम बच्चे को चोट आई। इसके अलावा भी हर दूसरे दिन मोबाइल से हुए हादसे की खबरें आती ही रहती हैं। ज्यादातर लोग जिंदा बम को जेब में लेकर घूम रहे हैं बिना किसी एहतियात के, ठीक ऐसे मानो हैंड ग्रेनेड की पिन निकालकर उसे पॉकेट में ही डाल लिया हो। सिवनी से अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब जरा सोचिए कि अपनी जेब में हम जो जिंदा बम लेकर चल रहे हैं उससे कैसे बच सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी सावधानी आपकी जिंदगी बचा सकती है, बस मशीन के इशारों को समझना आना चाहिए। मोबाइल में धमाके की खबरों के बीच बहुत थोड़ी सी सावधानी आपको एक बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। बहुत छोटे उपाय और मशीन के इशारों को नजरअंदाज ना करके भी इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। जैसे मोबाइल हमेशा सूरज के सीधे संपर्क से बचाना चाहिए, ओवर चार्जिंग से बचना चाहिए। सूरज की रोशनी मोबाइल सेट को ओवरहीट करती है जो ब्लास्ट की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा चार्जिंग के लिए हमेशा कंपनी का ही चार्जर इस्तेमाल करें। कई बार लोकल या फिर जुगाड़ चार्जर का इस्तेमाल ना सिर्फ मोबाइल को खराब करता है बल्कि ब्लास्ट के चांस भी बढ़ाता है। और अब बात सबसे ज्यादा की जाने वाली गलत देखिए, चार्जिंग टाइम का ध्यान रखना। या तो लोग मोबाइल चार्जिंग में लगाकर भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, जो गलत है, जो खतरा बढ़ाने वाला होता है। और ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं, चार्जिंग पर लगाकर बात करना। बात करने के दौरान नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, हीट बढ़ती है। चार्जिंग के साथ बात करने पर हीट दोगुना बढ़ती है जो ब्लास्ट की सबसे बड़ी वजह बनता है। कई लोग रात को सोते वक्त मोबाइल को अपने तकिए के नीचे रखते हैं, इसके चलते भी हीट बढ़ती है। अगर आपका मोबाइल बार बार गर्म हो रहा है तो उसे बहुत गंभीरता से लें, इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें।
तत्काल इसे सर्विस सेंटर को दिखाएं, ठीक कराएं। मोबाइल ब्लास्टिंग की बड़ी वजहों में से एक है खराब बैटरी का इस्तेमाल करना। बार बार फोन गिरने का सीधा असर बैटरी पर पड़ता है, जिससे शॉर्ट सर्किट ओवरहीटिंग बढ़ती है। एक बात और कि बैटरी खराब होने पर फूलती है। मोबाइल के पिछले हिस्से को गौर से देखिए, इसे पहचाना जा सकता है। ऐसा दिखे तो तत्काल बैटरी बदल लें। ये मुख्य वजह होती है किसी भी मोबाइल ब्लास्ट हादसे की जड़ में। लेकिन बहुत छोटी छोटी सावधानी बड़े हादसों से बचा सकती है, वरना ध्यान रहे मोबाइल का फटना जान तक ले लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं भिलाई और दुर्ग। ट्विन सिटी के पास औद्योगिक उपलब्धियां भी खूब हैं, लेकिन तेजी से बढ़ता शहर आग से निपटने के लिए कितना तैयार है? एक तरफ उद्योग, दूसरी तरफ कोचिंग हब। एशिया के नंबर वन भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ साथ करीब करीब 150 उद्योग धंधे चलते हैं। हैरानी ये है कि अग्निशमन विभाग के आंकड़े सुरक्षा का एहसास नहीं दिलाते, चिंता पैदा करते हैं। यदि शहर में आग लगी हो तो उसको बुझाने की जो जिनके जिम्मेदारी होती है, जिनकी कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, ऐसे जिले सेनानी नागेंद्र सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से अभी हम लोग काम कर रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग अपना जो जोन वाइज हमने डिसाइड किया है कि कौन किस जोन में ज़्यादा खतरे हैं, जैसे कि हथकोज एरिया हो गया, रेसिडेंशियल एरिया है, झुग्गी झोपड़ी एरिया है। जो पिछले साल झुग्गी झोपड़ी का हमारे यहाँ समस्या था कि पावर हाउस में एक आग लग गई थी, तो हम वहाँ पर चिन्हित कर रहे हैं और जाके उनको जो हम जागरूक भी कर रहे हैं। और संसाधन में अभी हमारे पास 8 फायर टेंगर हैं और एक मिनी फायर टेंगर है, एक फायर बुलेट है, और कर्मचारियों में 14 परमानेंट स्टाफ है हमारे पास और 9 प्लेसमेंट के हैं। सर, जैसे बड़ी आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए किस तरह के यहाँ पे संसाधन मौजूद है, कितना स्टाफ है, किस तरह का? देखिए, बड़ी आग अगर लग जाती है तो हमारे पास 8 बड़े फायर टेंगर हैं, एक मिनी फायर टेंगर है और एक फायर बुलेट है, और हमारे पास 8 ड्राइवर हैं। तो हम 3 ड्राइवर को तो तुरंत रवाना कर देते हैं, 3 गाड़ियां तुरंत रवाना कर देते हैं। बाकी कुछ कंपनियों से, BSP से भी हम सहायता लेते हैं अगर हमको ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो फिर अगर जो नज़दीक में ड्राइवर हैं उनको भी हम बुला के बाकी बैकअप में हम उनको भेज के फिर कंट्रोल करते हैं। सर, देखिए, लंबे समय से आप यहाँ पर हैं और दूसरी बात ये है कि जैसे देखे भी होंगे कि बहुत सारी आग लगती है और जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं, तो किस तरह का संदेश होगा? जैसे खासतौर पर यदि पावर हाउस मार्केट की बात किया जाए, इंदिरा मार्केट की बात किया जाए, तो यहाँ पर आग तो लगती है, किस तरह से हम इसमें बचाव करते हैं, कैसे क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, अभी हमने हथकोज एरिया में और जो अपने झुग्गी झोपड़े एरिया में जहाँ पिछले साल भी आग लगी थी, हम वहाँ पे जाके अवेयरनेस और उनको नोटिस भी जारी कर रहे हैं। पूरे संभाग के सबसे बड़े दुर्ग अग्निशमन विभाग में 84 स्वीकृत पदों में सिर्फ 14 फायर कर्मी है। हैरत ये है कि सिर्फ 9 नियमित है, बाकी प्लेसमेंट कर्मचारी। दुर्ग में लगातार टाउनशिप कॉलोनियों के अलावा ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं। इसके अनुपात में अग्निशमन विभाग की सुविधाएं नहीं है। 8 बड़े टैंकर और 24 अग्निशमन कर्मियों के कांधे पर है 1.5 लाख की आबादी की आग से सुरक्षा। बेजा कब्जे का आलम ये है कि आग लग जाए तो गाड़ी तक नहीं जा पाती। अभी मैं जिस जगह में खड़ा हुआ हूँ, यह है दुर्ग का गांधी चौक, जो काफ़ी व्यस्ततम माना जाता है, और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से तंग गलियाँ हैं, जहाँ पर आज अभी फिलहाल की यदि बात किया जाए तो दोपहर का वक्त है, जहाँ पर एक कार का निकलना भी मुश्किल होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह और शाम की स्थिति क्या रहती होगी। यहाँ पर कोई भी बड़ी गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती, और जब यदि ऐसी आपातकालीन स्थिति आएगी तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हालात बनते होंगे। और इसके साथ साथ में देखिए, बिजली विभाग की भी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी सकती है कि किस तरह से यहाँ पर बिजलियों के जो तार हैं वो किस तरह से यहाँ पर मकड़ी के जाल की तरह गुथे हुए हैं। और इसी तरह से यदि अतिक्रमण की भी बात किया जाए तो अतिक्रमण भी एक बड़ा कारण बन सकता है कि जो यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँचती हैं। तो इस तरह से गलियों ही गलियाँ यहाँ पर हैं, जहाँ पर निस्संदेह जब भी कोई बड़ा हादसा हुआ
तो यहाँ पर बचा पाना, उस आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। कई बार निगम प्रशासन का इस ओर ध्यान भी दिलवाया गया है, बिजली विभाग का भी ध्यान दिलवाया गया, लेकिन अब तक कोई भी यहाँ पर ऐसी पहल नहीं की गई है कि आपातकालीन स्थिति को रोकने के लिए कोई प्रयास किया जा सके। संसाधनों की कमी तो बड़ी चुनौती है ही, लेकिन छोटी छोटी अव्यवस्थाएं आग लगने के दौरान बड़ा रोल निभाती हैं। इस मामले में भी विभाग नाकाम नजर आता है। लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं वो भी जानना जरूरी है। न्यूज 18 के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर की रिपोर्ट। और अब शहर की सेफ्टी के दूसरे पहलू से आपको रूबरू करवाते हैं, और वो है आम लोग, जो इस मामले की गंभीरता को तो समझते ही हैं, गाहे बगाहे आवाज भी उठाते हैं, लेकिन वो सुनी नहीं जाती। भिलाई दुर्ग में एक साल के भीतर ही करीब 300 अग्नि दुर्घटनाएं हुई। भिलाई के विजय नगर में तो देखते ही देखते पूरी बस्ती राख का ढेर बन गई। हथखोज की एक फैक्ट्री हॉस्पिटल में आग की घटनाओं का दर्द भले ही चला गया, लेकिन जख्म की टीस अभी भी बाकी। प्रशासन से आप लोग ने मांगी की थी, क्या कुछ पहल हुई? नहीं, हमने नहीं की, जनता करती है, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। कितना भय रहता है यहाँ पर कि बिजली के तार निकल गए हैं? वो तो बहुत है, पूरा ही भाई है वो तो। यहाँ बस चल रही, किस्मत चल रही, किस्मत से चल रहे अपन। महापौर और विधायक और सांसद तीनों मीटिंग करके यदि SP को डायरेक्शन दे तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन वो समय निकाल के डायरेक्शन नहीं दे पाते। उनका डायरेक्शन रहता है कि कहाँ शंकर नाला में बाढ़ आने वाला है, तो उसके लिए 60 लाख रुपए तैयार रहता है, लेकिन गांधी ब्लॉक चौक के लिए कोई पैसा नहीं रहता। वो एक ठोको लगाया है, वो भी जलता नहीं है रात के। कितना भय रहता है यहाँ पे? आप लोग व्यवसाय करते हैं, तंग गलियाँ हैं, भीड़ भाड़ वाला एरिया था, कितना डर लगता है आप लोगों को? पब्लिक नहीं आ पाती तो व्यापार ही नहीं बढ़ पाता हमारा, अतिक्रमण के कारण। हम लोग तो चाहते हैं सब ठीक हो तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापारी का फायदा होगा, सबका व्यापार बढ़ेगा। कठिन है ये कहना कि अपन इससे बच के निकल जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था इतनी लचर है और शहर बहुत पुराना है और विकास बहुत तेजी से हो गया है, जनसंख्या बढ़ गई है, तो गलियां बहुत छोटी। पहले तो दुर्ग को गलियों का शहर कहा जाता था, आज भी वही स्थिति है, और इससे क्या है कि निकलना बहुत कठिन है। और प्रशासन से यही उम्मीद की जा सकती है कि इस ओर ध्यान देके, इस ओर कुछ विकास, अतिक्रमण हो गया है, चारों तरफ तकलीफ ही तकलीफ है, अगर थोड़ा विकास का ध्यान दें तो निश्चित है सुरक्षा में आदमी जिएगा। ये दुर्ग संभाग का सबसे पुराना बाज़ार अपन कह सकते हैं, और काफ़ी सालों से लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, और पहले तो नहीं लेकिन अब ट्रैफिक, गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई है कि ट्रैफिक समस्या तो बहुत हो गई है यहाँ। खासकर फोर व्हीलर वाले जो इधर आते हैं वो दोबारा आना फिर पसंद नहीं करते हैं, इतनी यहाँ पे लचर व्यवस्था हो गई है। थोड़ा सा भी ध्यान दें ट्रैफिक पुलिस वाले और पार्किंग की व्यवस्था को थोड़ा सुधार दें तो काफ़ी समस्या का इसमें हल हो सकता है। आप लोग क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? प्रशासन से यही है कि ये तो खैर मेन रोड है, यहाँ तो गाड़ियाँ घुस जाती, जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ थोड़ा सा पार्किंग की समस्या को अगर सुलझा दे तो वहाँ भी गाड़ियाँ घुस जाएगी और आगजनी की जो घटना है वो कम से कम होगी। इतनी जली हुई धुआं भरी यादों के बावजूद कई ऐसे बाजार हैं जहाँ एक चिंगारी पूरे बाजार को तबाह कर दे, लेकिन ऐसा लगता है कि आग से सुरक्षा की गारंटी अभी भी प्राथमिकता में शामिल नहीं है। कई बार योजनाएं बनी और दोगुनी रफ्तार से ठंडे बस्ते में भी चली गई। बसाहट का आलम यह है कि गलियों का एक जंजाल है जहाँ दमकल तो दूर की बात, दोपहिया ठीक से चल जाए तो बड़ी बात है। सिर्फ यहाँ एक जगह की बात नहीं हो रही है, ऐसे कई उदाहरण जो है भिलाई दुर्ग में पड़े हुए हैं जहाँ पर इसी तरह के हालात बने थे और संपूर्ण बस्ती की बस्ती जो है वो तबाह हो चुकी थी। यदि बात किया जाए फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की तो उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं कि वे अतिक्रमण के कारण या किसी अन्य कारण की वजह से वे गाड़ियों को अंदर नहीं ला सकते। निगम प्रशासन का एक अलग ही दावा है कि वो अतिक्रमण को हटा नहीं सकता, वहीं प्रशासन जो है जानते बूझते हुए भी आँख बंद करके हुए बैठा हुआ है।
है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिनके दम पर ये दम भरते हैं कि अग्निशमन की कोई घटनाओं से हम उसको रोक लेंगे, हमारे पास सारी व्यवस्था है, तो आपको ये आंकड़े जरूर बता देंगे कि इनके पास कितनी बड़ी ताकत है और ये कितनी बड़ी घटनाओं को रोक सकते हैं। ऐसे में यदि कोई बड़ी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मल्टी स्टोरी के बढ़ते चलन के साथ ही आग के सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी बढ़ी है। कहीं मुनाफा खोरी तो कहीं पैसे बचाने के लालच में ताक पर लगा दी गई है इंसानी जिंदगियां। अमूमन शहर में देखा गया है कि सिर्फ दिखावे तक के ही फायर सिस्टम लगाए जाते हैं और उसके बाद में उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता, और यही वजह है कि कई कॉलोनियों में ऐसा है कि ना वहाँ पर सोसाइटी ध्यान देती है और ना ही वहाँ पर नगर निगम ध्यान देता है, और यही वजह है कि आज जो है कई जगहों पर जो है फायर सिस्टम खराब पड़े हुए हैं। मैं जिस जगह में खड़ा हुआ हूँ ये भिलाई की सबसे अच्छी कॉलोनियों में गिनी जाती है, तालपुरी की कॉलोनी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मल्टी स्टोरीज बनाई गई है, और ये बहुत दिन नहीं हुए हैं इसको बने हुए, और ताकि यहाँ पर सुरक्षा ख्याल रखना चाहिए तो वहां सुरक्षा के कोई यहां पर मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर कोई सिस्टम ऐसे है ही मौजूद ही नहीं है कि जिसका हम उपयोग करके कोई आपातकालीन स्थिति यदि निर्मित होती है तो हम उस पर काबू पाया जा सके, आग पर काबू पाया जा सके। हैरानी की बात तो यह है कि कागजों में फायर सेफ्टी के प्रमाण पत्र जरूर ज्यादातर जगहों पर हैं, लेकिन हकीकत उससे उलट है। बढ़ती जनसंख्या, सीमित संसाधन और प्रशासन की उदासीनता ने शहर को उस फूस के ढेर में बदल दिया है जिसे धक्काने में एक छोटी सी चिंगारी काफी होगी। गली और गलियों के अंदर गलियां, न जाने ऐसी कितनी गलियां, ऐसे कितने मोहल्ले, कितनी बस्तियां हैं जो आज बारूद के ढेर में यहां पर बैठी हुई हैं। यहां पर हजारों लोग निवास करते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना कोई नहीं चाहता, सभी अपना अपना पल्ला झाड़ते हैं। अग्निशमन विभाग का कहना है कि अतिक्रमण होने की वजह से वह हर कहीं नहीं पहुँच पाता और यही वजह है कि उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निगम प्रशासन जो है अतिक्रमण खाली नहीं करवाना चाहता है, वहीं जिला प्रशासन आँख मूंदे बैठा है। तो ऐसे में बताइए कि जब सब कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालते रहेंगे तो आखिरकार लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और इवनिंग एजेंडा में इतना ही, नमस्कार।